अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर तो आफियत के साथ होंगे। तो आज मैंने लेकर आई हूँ बहुत सारी लेयर्स वाली मीठी मठरी की रेसिपी, जो कि आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बनी है। और मैं इसकी खस्तापन दिखाना चाहती हूँ कि कितना खस्ता, एकदम मुलायम और एकदम खस्ता है कि आप देख सकते हैं एकदम चूड़ा चूड़ा हो चुका। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि ये वाली आपको किसी ने रेसिपी नहीं बताई होगी। ये मीठी मठरी है और ये एकदम मस्त लगती है खाने में। आप इसके सामने रसगुल्ले वगैरह भी खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके की आप मिठाई खाएँगे। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन ले ली हूँ और ले लेना हमें 50 ग्राम तक शक्कर। तो यहाँ पे मैंने शक्कर ले ली हूँ और इसमें डालेंगे हम अपना देसी घी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच देसी घी लेना है हमको। उसके बाद क्या करना है हमें, इस थोड़ा सा पानी डालना है। तो यहाँ पे क्या करी मैंने, इसमें 3 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है शक्कर को, ताकि जब हम इसका आटा गूंदें तो फिर बिल्कुल भी शक्कर उभरे भी ना दिखे। तो इसे अच्छी तरीके से हमें मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप लोग कि अच्छी तरीके से शक्कर मेल्ट हो चुकी है शुगर। अभी क्या करना है, इसके अंदर हमें मैदा डाल के इसको अच्छी तरीके से हमें आटे की तरह सॉफ्ट डोर आटा गूंद लेना है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एकदम परफेक्ट तरीके से आटा गूंद गया है। अभी क्या करना है, इसे रख देना है 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। यह हमारा 5 से 10 मिनट हो चुका, आटा एकदम नरम हो चुका पहले से ज़्यादा। और यहाँ पर हमने इसको रेडी कर लिया। इसके अंदर हमने डाले कॉर्नफ्लावर और मैदा और ऑयल डाल के इसको मिक्स कर दिए। तो ये हमारे ये रेडी हो चुका। अभी इसकी बनाएंगे हम लोइयां। तो यहाँ पे मैंने 5 लोइयां सेम साइज़ की बना चुकी हूँ। अभी क्या करना है हमें, एक एक करके इसे बेल लेना है। यहाँ पे हमने चकला और बेलन ले लिया। अभी क्या करना है, एक रोटी हमें लेना है, 1 लोइयां और इसे बेल लेना है। यहाँ पर हमने सेम साइज़ का इसी तरीके का हमें सभी को बेल लेना है रोटियों को। यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को बेल दिया। अभी क्या करना है हमने, यहाँ पर जो हमने इसको घोल बना के रखे थे, अभी क्या करना है इसको थोड़ा थोड़ा इसके पर अच्छी तरीके से पूरा अप्लाई कर लेना है। ये मैंने सारा इसके पर अप्लाई कर लिया। अभी क्या करना है, थोड़ा सा मैदा लेना है, उसके पर इस तरीके से छिड़क लेना है अच्छी तरीके से। फिर हमने क्या करना है, दूसरी रोटी जो लेना है उसे भी इसके पर अच्छी तरीके से फैला लेना है, क्योंकि मैदा है, मैदा बटोर जाता आप सबको पता है। अच्छी तरीके से लगा लेंगे। फिर सेम प्रोसेस इसके ऊपर हमें इसे भी करना है इसी तरीके से। मैंने सारी रोटियां कर ली, अब लास्ट वाली रोटी को भी सेम इसी तरीके से हमें करना है। सब पे अच्छी तरीके से हम इसे भी अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर मैदा, जिस तरीके से सारे प्रोसेस करें सेम उसी प्रोसेस में हमने इसे भी कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने मैदा छिड़क दिया। अब इसे क्या करना है, इसकी अच्छे से एक रोल बना लेना है पतली सी। इस तरीके से हम इसकी रोल बना लेंगे। इस तरीके से रोल बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम इसको लंबा कर देंगे हाथों की मदद से अपने प्रेस करके। यहाँ पर मैंने लोइयां इसकी लंबी रोल बना ली। भी क्या करना है, इसको इस तरीके से कट कर देना है। तो मैंने सारी इस तरीके से कट कर दूँगी। यहाँ पर देख सकते आप लोग की अच्छी खासी लेयर इसकी आ रही है खिलकर। इसी तरीके से हमें सभी को काट के हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करके गोल कर लेंगे हम सभी को। तो सेम इसी प्रोसेस में हमें सभी को काट लेना है। तो ये सारे के सारे मैंने इस तरीके से बेल लिया। अभी एक रोटी लेना है हमें, क्या करना है इसे बेल लेना हल्का फुल्का। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बेल ली हूँ और ये खुद ब खुद खिल कर आ रही है। जब हम तेल में डालेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा लेयर, एकदम 20 से 25 लेयर है पूरी की पूरी खिल कर आएगी। तो सेम हमें इतना ही बड़ा बेल लेना है सभी को। तो ये सारी की सारी मठरी मैंने तैयार कर ली हूँ बेल कर। अभी क्या करना है, इसे ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम ऑयल, रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका। अभी क्या करना है, हमें मठरी एक एक करके इसके अंदर डीप कर देना है, डाल देना है। और इसे अच्छी तरीके से पहले हाई फ्लेम में रखना है और बाद में लो फ्लेम में, ताकि हमारी अंदर तक की मठरी एकदम खस्ता तरीके से मीठी मठरी बन जाए। तो हमें 3 से 4 ही मठरी इसके अंदर डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और डालते ही थोड़ा थोड़ा हमें इसे गैप करना है, ताकि ये एक दूसरे में बिल्कुल भी ना चिपके।
इसी तरीके से हमें 2 से 3 मिनट तक पहले इसी तरीके से रखना है, उसके बाद हमें लो फ्लेम कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हल्का पीछे ब्राउन हो चुका है इस कलर में, तो हमें सभी को इसी कलर में पलट लेना है। और देख सकते हैं आप लोग कि खुद ब खुद ये मटरी खिलकर आ रही है, खुद ब खुद सारी खस्ता इसकी खिल रही है, जितनी भी इसकी लेयर थी वो खुद ब खुद निकल कर आ रही है। तो हमने सभी को इसी तरीके से दोनों तरफ सेम कलर में ब्राउन कलर कर लेना है। अभी क्या करना है, हमने देख सकते हैं आप लोग कि एकदम परफेक्ट कलर में इसका कलर आ चुका है। अभी क्या करना है कि घर के सारी मटरियों को हमें निकाल लेना है। देख सकते हैं आप लोग कि फाइनली हमारी खस्ता मटरी बनकर रेडी हो चुकी है एकदम परफेक्ट तरीके से, कितनी सारी लेयर वाली। आप इसे महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये सब बच्चों को बड़ों को हर किसी को पसंद आने वाली है और ये एकदम महीने भर स्टोर करके रखने वाली चीज़ है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।